नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सी ट्यूब न्यूज। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह विक्रमगंज कोर्ट में आज हाजिर हुए। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार थे। उन पर रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट से उन्हें बेल मिली है। पवन सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि आज कोर्ट में पवन सिंह की उपस्थिति अनिवार्य थी। वे विक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। आगे उन्होंने कहा कि पवन सिंह के रोड शो में गाड़ियों का काफिला देखा गया था और भीड़ भी काफी थी, लेकिन उस रोड शो में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पवन सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वही रोड शो के अगले दिन ही पवन सिंह पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रोहतास जिले के 5 थानों में, विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट, विक्रमगंज संझौली राजपुर थाना और डेहरी अनुमंडल के अकोड़ी गोला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पवन सिंह के खिलाफ समन जारी किया गया था। कोर्ट ने 12 सितंबर को पवन सिंह को सशरीर पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद वह आज कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से निर्दलीय ताल ठोकी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें भी हार मिली थी। भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम को इस सीट से जीत मिली थी। ऐसे ही बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सी ट्यूब।